हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, हम लोग कल गए थे मार्केट सभी लोग, तो वहाँ पर मैं गई थी पायल लेने के लिए ज्वेलर्स के पास, लेकिन पायल तो मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन फिर हम लोगों ने ये अंगूठी देखी तो अंगूठी पसंद आ गई है। ये चांदी की अंगूठी है, तो काना को बहुत पसंद आई, तो मैंने कि काना ले रहा है तो इन दोनों को भी दिला देती हूँ। और एक ले ली है मैंने, तो यहाँ पर ये वाली है काना की, जो एक नग लगा हुआ है इसमें बीच में। और ये वाली है रिया की, इसमें मोती लगा हुआ है वाइट वाला। और ये वाली उसे बहुत पसंद थी, उसे मोती वाली चाहिए थी। और ये वाली है रिचा की, और ये मेरी भी मोती वाली है, तो मुझे और रिया को सेम पसंद आई, और रिचा और काना को अलग अलग पसंद आई, तो इन लोगों ने ले ली हैं। और बहुत अच्छी लग रही हैं पहनने के बाद भी। और फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो है, तो मैं सभी काम से फ्री हो गई थी। और कल मैंने हेयर वॉश किए थे, फ्राइडे था, मेरा व्रत था संतोषी माता का, तो कल मैंने ये ऑयल नहीं लगाया था, तो इतने बाल उलझ गए हैं, बहुत ज़्यादा बाल उलझ गए हैं, छोटी बना ली थी। क्योंकि मैं ऑयल लगा लेती हूँ तो इतने बाल नहीं उलझते हैं कंघी करने में, लेकिन कल मैंने ऑयल नहीं लगाया तो इतने हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और टूट भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, इतने झड़ रहे हैं मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए मैं रात में चोटी बना लेती हूँ और दिन में बना लेती हूँ जूड़ा। तो बस मैंने आज भी देखी ऑयल नहीं डाला हुआ है, बस ऐसे ही जूड़ा बना लूँगी मैं। और सुबह से मैं काम में लग गई थी, तो फिर सुबह कंघी नहीं कर पाई। अभी सभी काम से फ्री हो गई हूँ, तो मैंने कहा कंघी और कर लूँ, बाल भी सुलझा लेती हूँ, टाइम लगता है बाल सुलझाने में। तो बस यहाँ पर देखिए, मेरे बाल अच्छे से सुलझ चुके हैं और बहुत टूट भी गए होंगे। तो अब मैं बना ले रही हूँ जूड़ा, और रात में चोटी बना लूँगी, क्योंकि रात में सोने के टाइम तो मुझे चोटी ही बनानी पड़ती है, नहीं तो सिर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और दिन में बना लेती हूँ मैं जूड़ा। तो यहाँ पर मेरा जूड़ा बन चुका है, तो अब इसमें लगा लूँगी मैं क्लेचर, और इसके बाद मैं अपना जो काम बाकी है वो और कर लूँगी, क्योंकि बहुत दिन में काम बहुत रहता है। किचन से फ्री हो तो गौरी का काम करना पड़ता है, गौरी का भी एक पूरा एक डेढ़ घंटे का काम रहता है। ये देखिए, साड़ी में इतने बाल लग चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उलझे थे बाल तो मैंने सुलझाए, तो पूरे ज़्यादा टूट गए हैं आज बाल। वैसे भी रोज़ थोड़े बहुत तो टूटते हैं, लेकिन आज ज़्यादा टूट गए हैं, क्योंकि कल की कंघी नहीं की थी मैंने। और बस यहाँ पर मैंने बिंदी लगा ली है, और अब लगा लूँगी मैं सिंदूर। और फ्रेंड्स, आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि ऊपर टीपी वगैरह जो भी चला रहे हैं, क्या पता क्या, मैंने देखा नहीं है। और यहाँ पर थोड़ी सी लगा लूँगी लिपस्टिक। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी तैयार हो चुकी हूँ मैं। ये देखिए, मुझे ये लिपस्टिक लगाई तो इसका कलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो दिख ही नहीं रही थी, तो फिर मैंने चेंज की। रिया रिचा भी बोलने लगी थोड़े डार्क कलर लगाओ कि जिससे आपके लिप्स पर दिखे, तो दिख ही नहीं रही थी बिल्कुल भी, तो फिर मैंने वो वाली हटा दी है। और ये वाली जो मैंने सेल से मंगाई थी चार, उसी मेकअप पिंक वाला कलर लगा ले रही हूँ। तो ये देखिए, ये वाला कलर है। मैं रिया रिचा से पूछ रही थी कैसी लग रही हूँ, तो वो कह रही हैं हाँ ठीक लग रही हूँ, क्योंकि सामने वाला अच्छे से बताता है कि आप पर सूट हो रही है ये या नहीं। और फ्रेंड्स देखिए, कल ही मैं मार्केट से ये ग्रीन वाली चूड़ियाँ भी लेकर आई हूँ, क्योंकि सावन के महीने में ग्रीन चूड़ियाँ अच्छी रहती हैं पहनना, इसीलिए मैं ये प्लेन चूड़ी ले आई हूँ। और आज मैंने ग्रीन साड़ी ग्रीन चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं अपने दूसरे काम में लग चुकी हूँ। यहाँ पर जो आप देखते हैं रोज़ पसंद करते हैं,
उसी काम में मैं लग गई हूँ। गौरी का गौरी आ गई थी तो गौरी मैंने बांध दी है, और बांधने के बाद मैं यहाँ पर आई थी चुनिया को छोड़ने के लिए, तो बस चुनिया को मैंने छोड़ दी। और चुनिया की थोड़ी आज हालत ख़राब हो रही है सर्दी के, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है 2-3 दिन से, तो शायद सर्दी की वजह से चुनिया की हालत ख़राब हो रही है। और ये देखिए आज गौरी गलत साइड में खड़ी हुई हैं। जब मैं बांध देती हूँ तो गौरी सही साइड में खड़ी होती हैं, लेकिन आज गलत साइड में खड़ी हुई हैं। और यहाँ पर देखिए नैना संतोषी बंधी रहती हैं, आपको भी पता है, क्योंकि अभी बहुत छोटी हैं तो उनको छोड़ने का तो हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। तो बस यहाँ पर उन्होंने गोबर और भूसा फैला दिया, तो मैं उसी को साफ़ कर रही हूँ। ये तो मेरा रोज का ही काम है कि उन गोबर और भूसे को साफ करना पड़ता है मुझे यहाँ पर, तभी मैं गौरी का दूध निकाल पाती हूँ। क्योंकि नैना और संतोष इतना गंदा कर देती हैं बहुत ज़्यादा। और ये देखिए चुनिया को सेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और क्योंकि मुझे साइड में करना पड़ेगा गौरी को, क्योंकि यहाँ से वहाँ निकलने वाले भी ऊपर से लोग जाते हैं यहाँ, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। बीच में खड़ी हुई है गौरी, और बस मैंने साइड में कर दिया है चुनिया को भी और गौरी को भी। ये देखिए गौरी पूरी तरीके से कैसे कीचड़ में भिड़ कर आई है आज, क्योंकि गीला है पूरे में, तो यहाँ वहाँ बैठती है तो पूरे में मिट्टी लग जाती है। तो अब इसको मैं थोड़ा, बारिश बंद हो जाएगी तो फिर नहलाऊंगी मैं गौरी को, नहलाया भी नहीं है बहुत टाइम से। तो बस चुनिया ने पी लिया है दूध, अब मैं चुनिया को बांध दूंगी। और ये देखिए चुनिया सीधा खड़े नहीं रहती है, अब अपनी माँ को परेशान कर रही है, देखिए उसका कान खा रही है, कहीं कान खाएगी कहीं, मतलब कुछ ना कुछ उसके चाले करते ही रहती है चुनिया, सीधी खड़ी रह ही नहीं सकती है। और आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए, फुल वॉच कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं लगा ले रही हूँ गौरी का दूध, आप लोग फुल वीडियो देखिए, फुल वॉच कीजिए जरूर से ज़रूर।